क्या बोल रहे हैं? इफ ए बी एन बी आर टू वेक्टर्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है, तो ध्यान से मैं देखूं तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है. ठीक है, अब समझिए इस चीज को. ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. ए जो है वो बी जो मतलब ए जो है बी का माइनस टाइम्स दिया हुआ है. ठीक है, इस दूसरे के ऊपर किसी लीनियर को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा. यानी कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं. ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं दोनों का मॉडुलस लूंगा तो डेफिनेटली ये सही होगा, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. अगला वाला देखते हैं कि गलत क्यों है. तो ये हमारा आंसर हो गया डेफिनेटली. अगला वाला देखते हैं गलत क्यों है. ठीक है, समझेगा. मॉड ए बराबर मॉड बी, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर अगर मैंने आपको बोला कि भाई एक दो वेक्टर्स है, और भी और दोनों यूनिट है, तो क्या दोनों बराबर होंगे? जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है. डायरेक्शन तो पता ही नहीं है ना. आई और जे की बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो गड़बड़ हो गया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये तो गड़बड़ी हो गया. ठीक, चलिए अगला देखते हैं. अगर यही सही नहीं है तो ये कैसे सही होगा? ये भाई इसी का तो सब पार्ट है. भैया अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसमें दो ऑप्शन थे, उसका एक ही ऑप्शन मैंने यहाँ पे लेके देखा है, तो यही गलत है, तो ये तो वैसे ही सही नहीं हो सकता. ठीक है, और अगला वाला भी मुझे लगता नहीं कि वो सेंस बना रहा है. ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि भाई ए और बी लीनियर डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के. ठीक, चलिए, तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड लूंगा तो डायरेक्टली मेरे को आंसर मिल जाएगा. ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों का मॉड भी बराबर होगा, और माइनस बी का मॉड और बी का मॉड तो एक ही होता है. ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या कि भाई ये स्टेटमेंट हमारा. ठीक, चलिए,